आज के इस नए वीडियो में मैं अक्षय आचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं गणित में अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। पहले इसमें समझते हैं खातों के बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं खाता कितने प्रकार से होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं बचत खाता, बचत खाता या चालू खाता। दूसरा है आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। और तीसरा है सावधि जमा खाता। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही काम का चीज है और ये एग्जाम में आता है। देखो पहले समझते हैं बचत खाता। तो बचत खाता या चालू खाता एक ही होता है। बचत खाता में क्या होता है, अधिकांश लोग का खाता बचत खाता ही रहता है। इसमें क्या होता है, बैंक में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी अपने मन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बैंक क्या करती है, इसमें हमको बहुत कम राशि ब्याज के रूप में देती है, मतलब इसमें नहीं के बराबर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो सबसे कम ब्याज मिलता है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है इसमें प्रश्न, सबसे कम ब्याज किस खाते में मिलता है, बचत खाता में मिलता है। इसको याद रखना, सबसे कम ब्याज मिलता है बचत खाता में, सबसे कम ब्याज। क्लियर है इतना। दूसरा आवर्ती जमा खाता, इसको देखना आवर्ती जमा खाता। आवर्ती मतलब होता है बार बार। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अपने हिसाब से, मान लो हमें, हम बैंक में एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि हम 3 साल के लिए मान लो क्या करेंगे, बैंक को बोल देंगे कि मैं 100 रुपए जमा करूंगा हर महीने अपने हिसाब से। पैसा ज्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए मान लो अपने हिसाब से 50, 100, 150, 200 ऐसे। तो हम मान के 100 रुपए हर महीने बैंक को क्या बोलेंगे कि 100 रुपए हर महीने बैंक में जमा करेंगे, कब तक, 3 साल तक। तो इसमें हम एक निश्चित समय तक करेंगे, जैसे 3 साल है तो 3 साल तक। तो 100 रुपए हर महीने जमा करेंगे, मतलब करना ही करना है, आवर्ती मतलब बार बार। तो इसमें क्या है, 100 रुपए हर महीने उस खाते में हम जमा करेंगे आवर्ती में। वैसे इसको अंग्रेजी में आरडी बोलते हैं, रेगुलर डिपॉजिट, याद रखना। इसको बोलते हैं क्या, आरडी, रेगुलर डिपॉजिट अपने हिसाब से। तो 100 रुपए हर महीने बैंक में क्या करेंगे, 3 साल तक जमा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने बैंक बोल दिया कि निश्चित समय तक हम 3 साल तक क्या है, हर महीने 100 रुपए करेंगे। इसलिए बैंक क्या करती है, हमको ये जो बचत खाता इससे ज्यादा ब्याज देती है। तो सबसे कम ब्याज बचत खाता मिलता है और उससे ज्यादा किसमें मिलता है, आवर्ती जमा खाता मिलता है, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यू हर महीने 100-100 रुपए जमा करेंगे 3 साल तक। तो इसीलिए हमको क्या मिलेगा, बचत खाता से ज्यादा ब्याज किसमें मिलेगा, आवर्ती जमा खाता में मिलेगा। तीसरा है सावधि जमा खाता। सावधि इसको बोलते हैं FD, आप सब लोग सुने होंगे FD, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बार में ज्यादा रकम जमा करते हैं, एक ही बार करना है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000 अपने हिसाब से, लेकिन बैंक में एक ही बार जमा करेंगे एक निश्चित समय के लिए। मान लो आपने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या किए, 5 साल तक जमा कर दिए। तो बार बार जमा नहीं करना है, ध्यान रखना। आवर्ती में क्या था, 100 रुपए हर महीना जमा करना है, कितने साल तक, 3 साल तक, अगर 3 साल का समय लिए हैं तो। लेकिन इसमें FD में क्या करना है, एक ही बार 1,00,000 रुपए जमा कर दिए, उसके बाद आपको जमा नहीं करना है, वो 5 साल तक के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये 5 साल तक के लिए फिक्स हो गया, अब उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते, 5 साल बाद उस पैसे को आप निकालेंगे, बीच में उसको आप नहीं निकालना है, 5 साल बाद निकालेंगे। तो क्या करेगी बैंक, देखो एक ही बार जमा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए बैंक क्या करती है, हमको सबसे ज्यादा ब्याज किस मिलता है, सावधि जमा खाता मिलता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा ब्याज किस में मिलता है, सावधि जमा खाता मिलता है, सबसे ज्यादा ब्याज। इसमें 3 चीज को याद रखना है, सबसे कम ब्याज किसमें मिलता है, एक नंबर का सवाल है, खाली स्थान में पूछ देता है या सही गलत में, सबसे कम ब्याज किसमें मिलता है, बचत खाता में। आवर्ती खाता क्या बता दिया, आरडी हर महीने जमा करना है। सावधि जमा खाता में क्या है, FD। सबसे ज्यादा ब्याज किसमें मिलता है, सावधि जमा खाता, और सबसे कम ब्याज किसमें मिलता है, बचत खाता या चालू खाता में मिलता है।
इसको आपको याद रखना है। यहां इतना उम्मीद है आपको समझ आया होगा,